अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय इकाई द्वारा इकाई अध्यक्ष थवल कुमार शर्मा के नेतृत्व में नवरात्रि स्थापना के अवसर पर महाविद्यालय में सरस्वती माता की मंदिर की साफ सफाई की गई। श्रवण गुर्जर ने बताया कि नवरात्रि स्थापना के अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय में स्थित सरस्वती माता मंदिर की साफ सफाई कर प्राचार्य एवं सभी शिक्षकों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की। इस दौरान विकास कुमार, अभिषेक जोशी, युवराज सिंह राठौर, ऋषि शर्मा, सावन खटीक, शंकर पांड्या, राम गुजर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री सिद्ध गणेश मंदिर गांधीनगर भिलवाड़ा में बुधवार को शाम एम मनीष काबरा, चंद्रशेखर आचार्य नगर भिलवाड़ा की ओर से छप्पन भोग का कार्यक्रम परमानंद एवं उल्लास के साथ संपादित किया गया एवं सायंकाल 7 बजे आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। भगवान श्री गणेश जी महाराज की कृपा से आज ये सेवा का हमें एक मौका मिला है। पंडित जी की कृपा से हमें ये आयोजन में एक सफल हुआ है और उसमें हमें एक थोड़ी सी सेवा करने का भगवान ने मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभार। हम चाहते हैं कि भगवान हमें ऐसे मौके हमेशा देते रहे और ये आनंद हमें हमेशा मिलता रहे। किस उपलक्ष्य में कराया ये? बस भगवान का आशीर्वाद हुआ। क्या नाम आपका? मनीष काबरा, सन ऑफ शानदार जी का। ठीक। गुरुवार को स्थानीय शाम के सब्जी मंडी स्थित झूलेलाल मंदिर में सिंधी समाजजनों ने बड़ी संख्या में अर्ध चेटीचंड के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में धूम मचाई। सिंधी समाज के प्रवक्ता एवं कार्यक्रम संयोजक मूलचंद बहरवानी ने बताया कि मंदिर में सुबह शारदीय नवरात्रि स्थापना के उपलक्ष्य में घट स्थापना भी की गई। बाद में समाजजनों ने संत महात्माओं के सानिध्य में ध्वज की पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण भी किया। इस दौरान सिंधी युवाओं और सेवाधारियों ने सुप्रसिद्ध शहनाई की मधुस्वर लहरियों पर छेज भी खेला। पूर्व में झूलेलाल भगवान की स्तुति में कई भजनों की श्रृंखला भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के अंत में हरि सेवा धाम के संत मायाराम, गोविंद धाम के संत किशनदास एवं अन्य संतों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सेवारत सिंधी समाज के चिकित्सकों डॉक्टर गिरीश दत्ता, विशाल जेठानी सहित कई चिकित्सकों को झूलेलाल भगवान का चित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। कार्यक्रमों में नगर परिषद के पूर्व सभापति मधु जाजू, सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रमेश सबनानी, चेलाराम लखवानी, हेमंतदास भोजवानी, गुलशन विधानी, हरीश मानवानी, विनोद जुरानी, आरती शेखावत, पंडित नवीन शर्मा, लाल महाराज, इंदु बंसल, तुलसी सखरानी, बाबूलाल शर्मा, रेखा लखवानी, जितेंद्र मोटवानी, कैलाश कृपलानी, रमेश बत्रा, अम्बालाल नानकानी आदि सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय उदयपुर में आयोजित समारोह में राजस्थान एनसीसी निदेशालय के महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन एवं ग्रुप कमांडर कर्नल विनोद बंगरवा ने उत्कृष्ट कार्यों एवं सेवाओं के लिए 5 राज इंडेप कंपनी एनसीसी यूनिट तथा संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर साक्षी पारिक को सम्मानित किया। संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को पिछले वर्ष में किए गए कार्यों और परिणाम के हिसाब से चयन किया गया। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता तथा डिप्टी डीन डॉ हरीश नगर ने साक्षी को बधाई दी। सत्र 2020-21 में एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र में पुरस्कार दिया गया। एनसीसी यूनिट भिलवाड़ा कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजेंद्र शर्मा ने भी बधाई देते हुए बताया कि कोरोना काल में जिला प्रशासन का सहयोग करने, जागरूकता कार्यक्रम में भाग तथा अन्य सभी गतिविधियों में शामिल होने के उपरांत उपरोक्त पुरस्कार के लिए चयनित किए गए।